तो अब इसमें देखते हैं कि हम किस तरह से पासपोर्ट साइज फोटोज को मल्टीकल करके एक स्लाइड पे कैसे सेट करेंगे। तो यहाँ से देखिए, हमने एक फ़ोटो को ओपन किया है और उस फोटो में से जितना हिस्सा मुझे रिक्वायर्ड है उसका मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करके सिलेक्शन को प्रॉपरली बना लें कि भाई ये हिस्सा मुझे रिक्वायर्ड है, तो उसको कंट्रोल सी किया। कंट्रोल सी करके एक न्यू फाइल ली। न्यू फाइल लेने में मैंने उसके रेजोल्यूशन को सेट करना है 100 पे। ये इसका याद रखने वाला पॉइंट है कि रेजोल्यूशन मैंने इसकी कितनी रखी है, 100। क्लिक करके कंट्रोल एन दबाया और न्यू फाइल लेके कंट्रोल वी करके यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसके रीसाइज करना है साइज को, तो मैं गया यहाँ से इमेज साइज में, और इमेज साइज में जाने के बाद मैंने इसके साइज को विड्थ को 1.5 पे सेट किया और हाइट को इसको 2 पे सेट किया। रेजोल्यूशन इसकी 100 ही है, ओके कर दिया। इसके बाद कंट्रोल टी दबा के ट्रांसफॉर्म करके अल्टर शिफ्ट से थोड़ा थोड़ा सा साइड से इसको कम कर दिया ताकि साइड से इसके जो एरियाज हैं वो कम हो जाएं। उसके बाद एडिट में जाके डिफाइन पैटर्न पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लिक करके आपने इसका एक नाम रखना है, सपोज टू बी गर्ल, और ओके कर देना है। अब यहाँ पे क्लिक करके आपने यहाँ से एक न्यू फाइल लेना है और न्यू फाइल में जो हम कार्ड यूज़ करते हैं फोटो प्रिंट करने के लिए वो आपको मिलेगा फोटोज़ में, और उसका आपने साइज लेना है लैंडस्केप 4x6, और यहाँ पे आपने इसके रेजोल्यूशन को उसी के मुताबिक रखना है यानी कि 100, एंड देन ओके कर देना है। फिर आपने यहाँ से लेना है वो टूल जिसका नाम है पैन बकेट टूल, और यहाँ से फोरग्राउंड सेलेक्ट होगा। फोरग्राउंड के बाद आपने यहाँ पे लेना है पैटर्न, पैटर्न पे क्लिक करना है, और लास्ट में जो आपने अभी ऐड कराई है पिक्चर वो आपको बिल्कुल लास्ट में नजर आएगी। यहाँ से आप किसी पैटर्न को जो पहले बनाया उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर और उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो वो उस पर परफेक्ट सेट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको फोटोशॉप में तो सेव कर लिया, लेकिन इसकी PNG फाइल कैसे बनाएंगे? फाइल में जाएंगे, यहाँ से करेंगे सेव एज, और फिर यहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे। जहाँ पे इसकी फाइल बना के सेव करनी है तो वहाँ पर आप इसको सेव कर दें, सपोज टू बी गर्ल पासपोर्ट साइज, और इसको ओके कर दें। अब ये फाइल एक PNG फाइल के तौर पे बन चुकी है। यहाँ से जाइए आप डॉक्यूमेंट्स में, और डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करके अपने उस फोल्डर में जाइए जहाँ पे आपने इसको सेव किया है। वहाँ पर आपको ये फाइल नजर आएगी, ये रही। अब ये जो फाइल हमारी बनी है ये तो हो गई PSD फाइल, फोटोशॉप फाइल, PNG नहीं बनी। तो यहाँ से PNG बनाने के लिए दोबारा सेव है, मैंने सेलेक्ट नहीं किया था यहाँ से PNG, तो यहाँ से PNG सेलेक्ट कर लें और उसी नाम से मैंने सेव कर दिया, ओके कर दिया, और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश कर दिया। तो ये देखिए PNG फाइल बन गई। अब इस फाइल को आप अपनी USB में डाल लें या किसी भी प्रिंट वाले के पास ले जाएं, वो इसको आपको प्रिंट करके दे देगा। बाद में इसको आप कटिंग कर लें इसकी।